जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम मनोविज्ञान के अंतर्गत पावलोव के सिद्धांत को बारीकी से समझेंगे। जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, पावलोव सर हैं, वैज्ञानिक हैं, मशहूर रूसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पावलोव। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। आज इसी को हम बारीकी से एक थ्योरी क्लास में समझेंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हम सोच रहे हैं आपका कम से कम समय लिया जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। चलिए समझते हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें मतलब अगर पावलोव का सिद्धांत पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो वो पावलोव ने दिया, और इसमें हम संपूर्ण निचोड़ को ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, वो किसने दिया, वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। इनको क्या कहा जाता है? रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? रूसी मनोवैज्ञानिक कहा, मतलब जो पावलोव थे वो रूस के वैज्ञानिक थे। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार, वो इन्हें 1904 में मिला था। कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने, मतलब कुत्ते की लार पर इन्होंने प्रयोग किया था। पाचन क्रिया पर भी इन्होंने शोध किए थे, कई शोध किए हैं। और अनुबंधन का जनक इन्हें कहा जाता है, अनुबंधन का इनको जनक कहा जाता है। अनुबंधन को थार्नडाइक ने भी प्रयोग किया, बट इन्हें अनुबंधन का इन्हें जनक कहा जाता है। ठीक है, समझ में? चलिए आगे समझते हैं। आगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो इनके पावलोव के जो सिद्धांत हैं उनके नाम जो विभिन्न हैं वो इनको इसमें समझेंगे हम। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये बार बार ये नाम पूछा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो ये पावलोव का है। अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वो भी पावलोव का है। अनुकूलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वो भी पावलोव का ही है। क्लासिकल थ्योरी किसने दी है? तो वो भी पावलोव की है। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, तो ये भी किसका है? पावलोव का है। और एक ऐसा एस थ्योरी वो भी किसने दी है? पावलोव ने दी है। ये भी ध्यान रखना है, एस थ्योरी, ऐसा और थ्योरी थार्नडाइक, और एस थ्योरी खाली थार्नडाइक वो पावलोव सॉरी और आर थ्योरी वो दी है, वो स्किनर ने दी है। उसका सिद्धांत हम आगे आने वाले समय में सीखेंगे। चलिए समझते हैं इनके सिद्धांत को। पावलोव इसका ऐस प्रकार इन्होंने दिया था। प्रयोग किस पे किया, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर, थार्नडाइक ने बिल्ली पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो, जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, जो हमारा उद्दीपक, मतलब जो भोजन है वो क्या है? उद्दीपक है। तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते के में लार की वृद्धि हो, मतलब कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होने लगी। मतलब हमने कुत्ते को भोजन दिखाया तो उसकी कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होने लगी। उन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था, मतलब कुत्ते को रस्सी से बांध दिया तब उन्होंने प्रयोग किया था। मतलब उसे रस्सी से बांध दिया, भोजन दिखाया तो उसने, मतलब उसके मुँह में लार आने लगी। मतलब उन्होंने उद्दीपक दिखाया, क्या दिखाया? भोजन दिखाया, भोजन दिखाया और उसके मुँह में लार आने लगी। फिर उन्होंने कैसा स्टार्ट किया? पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद भोजन दिखाया, तब उसके कुत्ते के मुंह में लार आ गई। मतलब पहले घंटी बजाई और उसके मुंह में लार का टपकना, ये कैसी है? स्वाभाविक क्रिया है, घंटी है और ये जो लार टपकना है वो स्वाभाविक क्रिया। और भोजन, भोजन दिखाया, घंटी के साथ में अगर भोजन को दिया तो उसके मुँह में लार आ गई। चलिए आगे समझते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। पावलोव ने अपने सिद्धांत किसे माना है? अनुभव किसे माना है? अनुबंधन को माना है। अनुबंधन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचरी स्थापित होता है, मतलब एक संबंध स्थापित होता है, तो उसी को हम अनुबंधन कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम अनुबंधन कहते हैं। पावलोव के इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, या क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। चलिए अब इसको बारीकी से समझें, थोड़ा कठिन है। यूसीजी
अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल, यू का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यूसीआरई क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये मतलब लार है उसकी और स्वाभाविक क्रिया है। अब सीधी भाषा में समझो, जैसे पहले उसने क्या किया, भोजन दिया, भोजन दिया तो मतलब भोजन को दिखाया तो कुत्ते के मुंह में तुरंत लार आ गई, तो क्या होगी, लार ये स्वाभाविक क्रिया है। अब क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई साथ में और भोजन दिया, उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आ गई, मतलब घंटी बजाई साथ में और भोजन भी दिया तब कुत्ते के मुंह में लार आ गई, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यह कैसी है, एक अस्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया नहीं है ये, अस्वाभाविक क्रिया, मतलब नहीं, सिर्फ घंटी को ही बजाया, मतलब ऐसा अभ्यास करते रहे वो बार बार कि घंटी बजाई और साथ में भोजन दिया तो वो समझ जाता था, घंटी बजी समझ गया कि अब भोजन आने वाला है, और फिर उन्होंने एक बार ऐसा किया कि उन्होंने सिर्फ घंटी को ही बजाया, भोजन नहीं दिया, तो तब भी उस कुत्ते के मुँह में स्वाभाविक अस्वाभाविक रूप से उसके मुँह में लार आ गई। चलिए समझते हैं आगे, और नोट, पावलाव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है, मतलब घंटी के माध्यम से लार का आना क्या है, अस्वाभाविक क्रिया है, मतलब वह उसका स्वभाव नहीं कहता है कि वो मतलब लार का निकलना, लेकिन भोजन को देख के लार का निकलना ये स्वाभाविक क्रिया है, अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है, मतलब जो घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा, जो घंटी है वो अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा, अगर हम भोजन को दें तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा, क्योंकि भोजन को देख के वो तो नेचुरली लार आनी है। ठीक है, नोट, पावलाव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है, मतलब पावलाव ने यह समझाया अगर कोई भी व्यक्ति अगर उद्दीपक के माध्यम से कोई अनुक्रिया करता है तो वो उसके जो उसके आसपास जो परिस्थितियां हैं उसको भी अनुबंधित कर लेता है, मतलब उनको भी सीख लेता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कुत्ते को भोजन दिया गया तो उसके साथ में घंटी बजाएगी तो वो घंटी को भी उसमें समझ लिया, वो घंटी को भी समझ गया कि हमें घंटी से ही हमें भोजन को भोजन की प्राप्ति होगी, इसीलिए वो घंटी को भी समझ गया कि हमें भोजन की प्राप्ति होगी। चलिए आगे समझते हैं, और भी कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है, मतलब जब स्कूल में घंटी बजती है छुट्टी की तो तुरंत बच्चे बस्ता बंद करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये अनुबंधन कहलाता है, क्योंकि बच्चे अब सीख चुके हैं घंटी बजेगी तो ये घंटी एक बजेगी तो हमारी छुट्टी होगी, इसीलिए बच्चे तुरंत अपना बस्ता बंद कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये अनुबंधन कहलाता है। कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिवादन करना भी अनुबंधन कहलाता है, मतलब जो बच्चे हैं उन्हें सिखाया जाता है कि अगर कोई अध्यापक या गार्जियन कोई भी क्लास में आए तो आप तुरंत खड़े हो जाएं, उसका अभिवादन करें, तो वो अब कोई भी क्लास में आए तो वो तुरंत अभिवादन करती हैं, तो ये क्या हो गया, ये उनका अनुबंधन हो गया, मतलब यह उनकी स्वाभाविक क्रिया हो गई, वो ऐसा ही करते रहे। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए प्रातः 5 बजे की अलार्म लगाया जाना और प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पूर्व उसकी नींद खुल जाना ही अनुबंधन कहलाता है। कहने का तात्पर्य सीधी समझो, जैसे कोई बच्चा है वो सुबह पढ़ना चाहता है या कहीं जाना चाहता है, सुबह अलार्म लगाया तो जल्दी उठ गया, ऐसे ही वो मतलब कई दिनों तक ऐसा करता रहा तो उसकी वो स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी, वो अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुलने लगेगी, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी स्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, मतलब उसका ये अनुबंधन हो जाएगा, उसकी नींद का खुल जाना क्या कहलाएगा, वो अनुबंधन कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो नींद का उसका खुल जाना क्या कहलाएगा, अनुबंधन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।